दोस्तों हमने ये कार्बोरेटर चेंज क्यों किया है ये भी आपको इसी वीडियो में दिखाएंगे। ये इसमें खराबी क्या थी जिसकी वजह से कार्बोरेटर चेंज करना पड़ रहा है इस गाड़ी का। हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है। फ्रेंड्स ये देख सकते हैं, यह है होंडा शाइन है, हम इसकी क्लच चेंज कर रहे हैं और जो कार्बोरेटर देख रहे हैं ये कार्बोरेटर नया डालेंगे। दोस्तों मेरे एक सब्सक्राइबर है जिसने पूछा था कि कार्बोरेटर जो होंडा शाइन का होता है वो बाहर निकालने में बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है, तो कोई आसान तरीका बताएं जिससे कार्बोरेटर आसानी से बाहर निकाल लें और आसानी से इसको फिट कर दें। तो हम इसको नया तो डालेंगे ही, तो साथ साथ हम इसके इसलिए वीडियो बना रहे हैं तो आपको ये भी बता दें कार्बोरेटर कैसे बाहर निकालना है और कैसे फिट करना है वापस। तो चलिए दोस्तों वीडियो करते हैं स्टार्ट। दोस्तों सबसे पहले कार्बोरेटर की पेट्रोल पाइप हटा लें, जो टंकी लगी हुई नहीं है दोस्तों इसमें, तो टंकी लगी हुई हो तो पेट्रोल को बंद कर लें। उसके बाद आपको नीचे देखेंगे जो ये पेट्रोल पाइप नज़र आ रहा है आपको नीचे कार्बोरेटर के नीचे पीछे ये वाली, तो इसको डिस्कनेक्ट करेंगे सबसे पहले। तो मैं इसको हटा लेता हूँ, तो यहाँ से बाहर डालेंगे तो ये आराम से पाइप हट जाएगी। आप देख सकते हैं पेट्रोल आ गया है, यानी इसमें थोड़ा सा पेट्रोल था, ये देखो पाइप हट गई है। इसके बाद ये ओरिजिनल पाइप हटाएं, ये हटाने के बाद रेस वायर खोलेंगे। इसकी रेस वायर के लिए 12 नंबर की चाबी की चीज जरूर पड़ेगी, तो इसको लूज़ कर लें। से रेस वायर खोलेंगे दोस्तों, इसको ऊपर खींचेंगे इसको, तो ये जो पतला हिस्सा यहाँ पर ये बाहर आ जाएगी इसे, और रेस वायर को डिस्कनेक्ट कर लें। से हो गया है दोस्तों इतना। इसके बाद एयर फिल्टर बॉक्स यहाँ से डिस्कनेक्ट करेंगे, जो कार्बोरेटर के पीछे जो एल्बो लगी हुई है, तो पेचकस की मदद से इसको लूज़ कर लेंगे। दोस्तों लूज़ कर लिया है, और अब इसके बाद जो आप देख रहे हैं देख सकते हैं इस तरह जो 2 10 mm के जो बोल्ट लगे हुए हैं इन दोनों को खोलेंगे। तो मैं इन दोनों को खोल लेता हूँ फटाफट, तो इसके 10 नंबर के फनस खोल सकते हैं आप। दोस्तों बोल्ट दोनों बाहर निकाल लिए हैं, देखो दोनों बोल्ट बाहर आ गए। इसके बाद दोस्तों आपको जो ये एक पाइप दिख रही है, जो यूरोटेक पाइप दिख रही है आपको, ये वाली इस तरफ, ये जो मैं हाथ लगा के दिखा रहा हूँ, ये तो इसको पेचकस की मदद से आप बाहर निकाल लें। हल्का सा आप धक्का लगाएंगे इसको तो ये बाहर निकल जाएगी, ये जो मैं आपको दिखाता हूँ। और ये देखो दोस्तों पीछे चली गई है, यानी पाइप फट गई है आराम से। तो इसके बाद आपको क्या करना है, कार्बोरेटर आपको आराम से बाहर की तरफ खींचना है, यानी यहाँ से पकड़ना है और इसके ऐसे घुमाना है आराम से। देखो इतना घूम गया है, इसके बाद आपको पेचकस की मदद लेनी है, और आपको जो ये जगह दिख रही है इस तरफ, यहाँ से आपको पेचकस की मदद से इसको रबड़ को आराम से पीछे ढकेलना है, और एक हाथ से आपको कार्बोरेटर पकड़ के रखें और ऐसे पकड़ रखें दोस्तों, ये आराम से बाहर आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं कार्बोरेटर बाहर निकल गया है। इसके बाद आराम से एयर पाइप को डिस्कनेक्ट कर ले, एयर पाइप ये वाली ये हट गई है। इसके बाद जो 14 नंबर की जो चाबी होती है होता है चौक बॉडी को आराम से खोल लेना है यहाँ से। दोस्तों ये देख सकते हैं चौक अलग हो गया है। इसके बाद जो ये टीपीएस सेंसर का जो सॉकेट रह गया है इसको भी आराम से हटा लें, यहाँ से जैसे प्रेस करेंगे यहाँ पर तो आप पीछे की तरफ खींचेंगे तो निकल जाएंगे। बस आप देख सकते हैं कार्बोरेटर बाहर आ गया। और दोस्तों हमने ये कार्बोरेटर चेंज क्यों किया है ये भी आपको इसी वीडियो में दिखाएंगे। ये इसमें खराबी क्या थी जिसकी वजह से कार्बोरेटर चेंज करना पड़ रहा है इस गाड़ी का। तो सबसे पहले मैं आपको नया कार्बोरेटर दिखाता हूँ, फिर आपको बताऊंगा इसमें कमी क्या है। दोस्तों आप देख सकते हैं ये होंडा कंपनी का हम जेन्युइन लाए हैं बिल्कुल, और आपको मैं इसकी MRP और बता देता हूँ, 4,886 रुपये इस पर MRP है। और दोस्तों हमें ये डिस्काउंट में मिला है 4,400 रुपये का, 4,400 रुपये का। तो आप इसको खोलते हैं और आपको नया कार्बोरेटर दिखाता हूँ इसका कैसा कार्बोरेटर होता है नया। दोस्तों अच्छे से पैक होकर आता है कंपनी से, दोस्तों देख रहे हैं ये नया कार्बोरेटर बिल्कुल, ये देखो। और ये वाला कार्बोरेटर देख सकते हैं दोस्तों, ये इसका पुराना है, ये इसका नया है। ये बहुत ही ज्यादा महंगा है दोस्तों, बाकी जो अदर गाड़ी होती है उनमें सस्ता आता है, 2,000 रुपये के आसपास आ जाता है, पल्सर डिस्कवर और स्प्लेंडर वगैरह होते हैं जो, पर इस गाड़ी का बहुत महंगा होता है पार्ट्स। तो मैं आपको कमी दिखाता हूँ दोस्तों, इसमें कमी क्या थी जिस वजह से हमें ये नया डालना पड़ रहा है। तो फटाफट से मैं इसको, दोस्तों आप ये देख सकते हैं ये एयर स्क्रू मिक्सर है इधर, इसको मैं बाहर निकाल रहा हूँ और मैं आपको दिखाऊंगा इसमें खराब क्या है। ये देखिए दोस्तों ये इसका एयर स्क्रू मिक्सर है, ये आप देख सकते हैं इसके आगे एक नॉक होती है जो कि इसके अंदर टूटी हुई है, नॉक में स्प्रिंग बाहर निकालते हैं। देखो आप देख सकते हैं तो अंदर आपको दिख रही होगी सामने ये एक टिप नज़र आ रही हो, जो
चमकीला कुछ नजर आया आपको, तो बिल्कुल बीच में सेंटर में अंदर बहुत उससे इसके आगे की नोक होती है, जो टिप होती है आगे की, जो पिन सी जैसी होती है आगे, इतनी बड़ी होती है इससे आगे, तो वो टूट गई है और इसी के अंदर रह गई है। और दोस्तों ये बाहर नहीं निकल सकती, इस वजह से कार्बोरेटर सेट यानी हम इसकी माइलेज सेट नहीं कर सकते, यानी किसी भी तरह से कस्टमाइज नहीं कर सकते इसको। तो ये कार्बोरेटर ये खराब हो गया है, इसी वजह से ये नया डाल रहे हैं। तो ये नया कैसा होता है वो मैं आपको दिखाता हूँ, ये पुराने वाला है, और मैं आपको नया का दिखाता हूँ, अगर आपको नया का खोल के कि नया कैसा होता है इसके अंदर का एयर स्क्रू मिक्सर। ये देखिए दोस्तों, आपको आगे की वो पिन नजर आ रही होगी सामने, ये देखो, और इसके आगे नहीं है, यानी इसके आगे की टूट गई है पिन। और दोस्तों मेन चीज़ यही होती है, यही एवरेज सेट करती है, यही होती है जो इसको पूरी गाड़ी को जो सेट करती है, इंजन को सेट करती है, माइलेज सेट करती है, यही चीज़ करती है। अगर ये टूट जाती है तो कार्बोरेटर वेस्ट, यानी हमारे पूरे पैसे बर्बाद। तो इस वजह से नया कार्बोरेटर खरीदना पड़ेगा आपको। तो आप देख सकते हैं ये चीज़ आपस में फिट कर देता हूँ, और फटाफट से कार्बोरेटर कैसे फिट करना है ये और आपको दिखाएंगे। कार्बोरेटर फिट कैसे करना है, जो ये एल्बो दिख रही है आगे वाले इंजन साइड की, ये इसको आप ये कट दिख रहा है आपको, ये वाला ये कट दो तो इसके बीच में आना चाहिए बिल्कुल ऐसे। मैं आपको लगा के दिखाता हूँ पहले, ये देखो देख सकते हैं बिल्कुल सेंटर बैठ गया है। अब यहीं के इसको टाइट कर देंगे, तो मैं इसको टाइट कर लेता हूँ। दोस्तों बोल्ट टाइट करने के बाद मैंने दोस्तों ये सारे कनेक्शन कर लिए हैं, इसके चौक वायर लगा दिए, एयर पाइप लगा दिए, और टीपीएस सेंसर का कपलर लगा दिया है। और दोस्तों अब मैं आपको दिखाऊंगा इसको इंस्टॉल कैसे करना है, यानी पहले कैसे डालना है आपको, ताकि आसानी से जाकर अपनी जगह पर बैठ जाए, फिट हो जाए। तो पहले सबसे पहले आपको क्या करना है, कार्बोरेटर पीछे की तरफ से लगाना है आपको, यानी जो एयर फिल्टर का जो बॉक्स है इसमें लगाना है। इसमें लगाने के बाद आपको जैसे यहाँ से आप आराम से उठाएंगे इसको, पीछे की तरफ धक्का लगाएंगे, ये आराम से अंदर चला जाएगा। ये देखो अंदर चला गया है, ये बहुत आसानी से बैठ गया है दोस्तों। अब देख सकते हैं अब नीचे हाथ डालकर वैसे इसकी पेट्रोल पाइप लगा लें,